हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि रेनी सीजन शुरू हो गया है और इस सीजन में इन्फेक्शियस डिसीज़ काफ़ी होती है, तो आज हम बात करेंगे एक इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में जो कंटामिनेट वाटर और फूड के थ्रू हमारे शरीर में एंटर कर जाती हैं और ये इंटेस्टाइन मीन्स खाने की नली में इसका असर होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइफाइड फीवर मींस एंट्रिक फीवर के बारे में। इसको हिंदी में मोतीझरा और आंतरिक ज्वर कहते हैं। इस बीमारी का होने का कारण साल्मोनेला टाइफी एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कंटामिनेट वाटर और फूड के थ्रू हमारे खाने की नली में एंटर कर जाता है और पेट के थ्रू होते हुए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अटैक करता है और ये वहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और खाने की नली में ये ब्लड में मिक्स हो जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम में मिक्स हो जाता है। वहाँ से लिवर और स्प्लीन में फैलता है और सारे शरीर में फैल जाता है और पेशेंट को सिम्टम डेवलप होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण और सिम्टम के बारे में। इसमें पहले व्यक्ति को हाई ग्रेड फीवर मीन्स 103 डिग्री और 104 डिग्री इसको फीवर आता है। इसके बाद हेडेक, वोमिटिंग, लूज मोशन और मानसिक रूप से कन्फ्यूजन की स्टेज डेवलप हो जाती है। और लेटर ऑन स्टेज की हम बात करें तो इसमें बॉडी में रैसेस, बॉडी में ईचिंग भी शुरू हो जाती है और सबसे इसमें डेंजरस पॉइंट ये है कि इसके कॉम्प्लिकेशन सबसे डेंजरस होते हैं। इसमें क्या होता है, किडनी फेलियर होने का चांस होता है। जहाँ तक हो सके इस बीमारी को प्राइमरी स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन बढ़े ना और ना ही किसी पेशेंट की मृत्यु हो। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। जहाँ तक हो सके बाहर का खाना, फास्ट फूड आप अवॉइड करें और हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें और अपने आसपास भी सफाई का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आपको ज़्यादा लूज मोशन और वोमिटिंग हो रही है तो आप फ्लूड रिप्लेसमेंट थेरेपी रह सकते हैं। इसमें आप नारियल पानी, लेमन जूस और लिक्विड डाइट ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा आपको 200 ml तुलसी के पत्ते का रस और 200 ml धनिया के पत्ते के रस को सुबह शाम लेना है और ये कम से कम आपको 15 दिन तक लेना है। इससे आपका टाइफाइड नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा खूब कला 5 से 10 चम्मच और अंजीर 3 से 4 पीस और मुनक्का 3 से 4 पीस को आपस में मिला लेना है और छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। इन गोलियों को आपको सुबह शाम सेवन करना है सादा पानी के साथ। इससे भी आपको टाइफाइड में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा 8 से 10 पीस लौंग के 500 ml पानी में बॉयल कर लें और इसको इतना बॉयल करें कि इसको आधा कर लें और इस पानी को आपको सुबह शाम सेवन करना है। इसके अलावा एक चम्मच पुदीने का पेस्ट और एक चम्मच अदरक के पेस्ट को संभाग में मिलाकर एक गिलास पानी में लेना है और इस पानी को सुबह शाम सेवन करना है। इससे भी आपका टाइफाइड नष्ट हो जाएगा क्योंकि पुदीने के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं जो टाइफाइड को नष्ट करती हैं। जो भी मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई हैं उसको आप फॉलो करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी बीमारी का इलाज चाहते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं और यहाँ आके डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट करिए। थैंक यू सो मच। दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान का क्लिनिक दिल्ली और लुधियाना में है। और दिल्ली एड्रेस दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, 4H1 गर्ग टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली 110034। और लुधियाना एड्रेस दिव्य ऋषि आरोग्यम संस्थान, B3761 नियर बिंद्रा कॉम्प्लेक्स एंड बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा, कुंदन नगर, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, लुधियाना, पंजाब 141002।